अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज रेसिपी बनाएंगे हम बैंगन आलू की। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बैंगन लिया है 1 पाव, इसको मैंने चकोर काट लिया है। 1 पाव मैंने आलू लिए हैं, 3 मैंने टमाटर लिए हैं, इसको बारीक चॉप कर लिया है। 2 प्याज ली है मीडियम साइज़ की, इसको भी चॉप कर लिया है। 1/2 गड्डी हरा धनिया है और 2 हरी मिर्चें हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है मैंने साबित, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने यहाँ पे, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई हरी मिर्च ली है और 1/4 कप तेल यूज़ करूँगी। तेल आप अपने लिहाज से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पतीली ली है मैंने, उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ प्याज, साबित ज़ीरा और कड़ी पत्ता। अब हम इसको फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज ट्रांसपेरेंट सी ना हो जाए, यानी कि पूरी पक जाएगी प्याज लेकिन कलर नहीं आएगा उस पर। बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, बहुत मज़े की बनती है, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें ट्रांसपेरेंट सी होना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आलू और इसे मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर डाला करें सब्ज़ियों में, बहुत मज़े की बनती है। थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है सिर्फ कड़ी पत्ता ऐड करने से। इसे हम बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट, और इसे हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक मसाले का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। बहुत अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे। फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी पिसे हुए टमाटर, ये मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया है, आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं, मैंने इसे चॉपर में चॉप किया है। बहुत अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पकाएंगे। ये पानी शामिल कर रही हूँ और अब मैं इसको मिक्स करके इसको कवर कर दिया है मैंने 5 मिनट के लिए। पानी तकरीबन खुश्क हो गया, 5 मिनट हो गए हमारे। ये देखिए ऑयल अलग से नज़र आ रहा होगा आपको, पानी खुश्क हो गया तकरीबन, इसमें हमारे आलू गल गए होंगे, तकरीबन 1/2 डन से ज़्यादा हो गए होंगे। इसे करेंगे मिक्स और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बैंगन। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी मैं इसके बाद, अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और नमक और गरम मसाला डालकर हम इसे थोड़ी देर के लिए दम पर छोड़ देंगे ताकि बैंगन गल जाएं। रोटी से भी बहुत मज़े की लगती है, चावलों से भी लगती है। अगर आप इसमें थोड़ा ग्रेवी करना चाहें तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। इसे मैं 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर छोड़ दूंगी ताकि बैंगन भी गल जाएँ बहुत अच्छी तरह से। और ये 5 मिनट हो गए हमारे, मैं लिड हटा कर दिखाती हूँ आपको कि अब किस तरह से ऑयल सेपरेट हुआ है इसका। ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। ये रोटी से आप खा सकते हैं, इसे खुश्क सा है ये, और अगर आपको चावलों से खाना है और थोड़ी ग्रेवी करनी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं और फिर उसे दम पर रख दें। इसे आप लौकी के साथ भी इसी तरह से बना सकते हैं, तुरई के साथ भी इसी तरह से बना सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी हरा धनिया और हरी मिर्चें और इसे मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। ये हमारे मज़ेदार से बैंगन आलू रेडी हो गए हैं। चूल्हा मैं करती हूँ ऑफ और अभी से हम डिश आउट करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो थम्स अप दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। बस।